In previous lecture, we discussed about sentence and what is a sentence, and we discussed some little bit about sentence by structure. And today we are going to discuss sentence by meaning or sentence by purpose, or it is entitled with two different meanings. इसे हम sentence by meaning भी कहते हैं और इसे sentence by purpose भी कहते हैं. Some writers जो हैं वो इसे sentence by purpose कहते हैं और कुछ writers इसे sentence by meanings कहते हैं. ऑरेन एंड मार्टिन की बुक ने भी इसे सेंटेंस बाय मीनिंग के नाम से मेंशन किया है. पाकिस्तानी राइटर्स कुछ पर्पस कहते हैं, लेकिन यूरोपियन राइटर मेजर जो हैं वो इसे सेंटेंस बाय मीनिंग ही कहते हैं. अब मीनिंग क्या है कि डेफिनेटली देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी सेइंग, और कोई ना कोई मकसद होता है कोई जुमला अदा करने का, कोई बात कहने का, और उस पर्पस को ही मीनिंग का मतलब लिया जाता है. आपका मकसद क्या है कोई बात करने का, या आपका पर्पस क्या है उस बात को डिफाइन करने का या एक्सप्लेन करने का. आइदर यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, और यू वांट टू निगेट एनी एनीथिंग, और माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव अ क्वेश्चन, और यू वांट टू मेक अ क्वेश्चन ओवर एनी स्टेटमेंट, और फर्दर मोर यू हैव अ विश टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ समवन, एंड यू or may be have or you may have just a strong feeling, just like happiness, sorrows and wonders, or as well as these are the things that can be included in the times of purpose. It's mean when we say there must be a purpose behind our sayings, हमारी बात के पीछे वहां पर मकसद जरूर होता है और होना भी चाहिए. हमारा मतलब होता है किसी बात के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, किसी टीचर के बारे में हमने मालूमात करनी है, किसी टॉपिक के बारे में सवाल करना है, किसी बात से इनकार करना है, हैरानगी जाहिर करनी है, खुशी जाहिर करनी है, या हमें किसी को दुआ देनी है या बददुआ देनी है, और रेस्ट ऑफ दीज थिंग्स आइदर वी हैव टू शो अच्छा रिक्वेस्ट पीस और पीस ऑफ एडवाइस, या हमें ये सारी चीजें देखनी है, हमें ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करनी है या सजेशंस करनी है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर ऐड होती हैं. तो लिहाजा हम देखते हैं इसे क्या कहता है मजीद हमें इसकी तरफ. पहले अगेन सेंटेंस को देख लेते हैं. जैसा वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड बिगिनिंग्स विद अ कैपिटल लेटर्स, और सेंटेंस माइट बी पॉसिबल टू एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तीन चीजों के ऊपर जुमला खत्म हो सकता है, वो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. और इट इज नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू स्टार्ट विद बाय अ कैपिटल लेटर, और इट इज नेसेसरी फॉर अ सेंटेंस टू हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जस्ट लाइक वर्ब एज वेल. तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सेंटेंस के लिहाज से, जो सेंटेंस हम देखते हैं, सेंटेंस को जो लेके चलता है हमारे पास, इसे हम आप कह लेंगे जी. ठीक है, सेंटेंस हम लेके चलते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड बिगिनिंग्स विद अ कैपिटल लेटर. और हम अमूमन यही बात कर रहे होते हैं, जो सेंटेंस है वो कहता है जी कि एक सब्जेक्ट होता है उसमें, और एक उसमें वर्ब होता है और कैपिटल लेटर शुरू होता है. अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, एकल फास का मजमूआ जो बताते खुद मुकम्मल हो, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और खास तौर पर उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी अवेलेबल हो. कन्वेइंग अ स्टेटमेंट जो जाहिर करता है एक स्टेटमेंट को, क्वेश्चन या एक सवाल को, एक्सक्लेमेशन या आप कह लें कि इल्तिजाइया को, या और कमांड या किसी हुक्म को, एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज, और जिसके अंदर होती है एक क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एज वी नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. डू यू नो द कोऑर्डिनेट क्लॉज? एनीवन? जी सर. मेन क्लॉज क्या होती है? जी. मेन क्लॉज क्या होती है? जी. क्लॉज क्लॉज जो होती सेट है, मेन क्लॉज जी जी बोले रोशन. सर क्लॉज वो होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होते हैं. हाँ ठीक है, क्लॉज वो होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. अगर हम मेन क्लॉज की बात करते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर अ मेन क्लॉज टू हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एज वेल,
एंड इट्स केपेबल इनफ टू स्टैंड इट्स ऑन, ये अपना मतलब भी खुद समझा लेती है। लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो अपना मतलब खुद नहीं समझा पाती, बस यही फर्क होता है इसमें। अब यहाँ पर क्योंकि क्लॉज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर मैं रुक गया, इसलिए कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज मतलब कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, एंड सम टाइम वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज, और बात को ऐसा भी होता है कि उसमें एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं। अ सेंटेंस इज अ टेक्स्चुअल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड, ये एक टेक्स्ट का एक मिक्सर होता है जो आपस में ग्रामेटिकली एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये सेंटेंस की डेफिनेशन, एज वी डिस्कस इन अवर प्रीवियस लेक्चर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय पर्पस और बाय मीनिंग। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन आवर कल्चर, इट्स मीन इन आवर पाकिस्तानी कल्चर्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज समथिंग एल्स एंड नेगेटिव सेंटेंस इज समथिंग एल्स, बट इन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट दे मर्ज डिक्लेरेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव जुमला कहते हैं या जिसे हम कहते हैं जी के आप कहने के जी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास अमूमन जो यूरोपियन कल्चर में होता है वहां पर ये दो स्टेटमेंट्स को ऐड करते हैं, एक उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और एक उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हमारे कल्चर में डिक्लेरेटिव इक्वल टू पॉजिटिव लेते हैं और पॉजिटिव में जस्ट वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही कहते हैं, उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट ऐड नहीं करते, उसमें नेगेटिव अलग से उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें अच्छी तरह से चीजों को देखना है तो इट्स मीन वी हैव टू सी द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेटिव राइटर्स, तो हमें नेटिविटी को देख के चलना है, तो उनके मुताबिक हम डिक्लेरेटिव को ही पढ़ेंगे। फिर हमारे पास सेकंड टाइप जो है इंट्रोगेटिव है, थर्ड वन इंपैरेटिव है, फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी है एंड फिफ्थ वन ऑब्जेक्टिव है। इट्स मीन वी हैव फाइव टाइप्स इन काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय मीनिंग्स, और ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस बाय मीनिंग की टाइप हम पढ़ रहे हैं, बाय पर्पस की टाइप्स को हम पढ़ रहे हैं। पहले की तरफ हम बढ़ते हैं, पहला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेयरली मेक्स अ स्टेटमेंट, ये जस्ट स्टेटमेंट्स बनाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट बनाएंगे, वो एक लड़का है, वो लड़का नहीं है, वो यहाँ है, वो यहाँ नहीं है, हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इट्स मीन कि वी हैव टू एक्सप्रेस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड एनी एस्पेक्ट और एनी पर्सन और एनी थिंग इन दिस यूनिवर्स और रिलेटेड टू दिस यूनिवर्स। हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ या किसी भी इंफॉर्मेशन का हमें बताना होता है। It doesn't matter either we inform it in a positive or in a negative way. हम उसे उसकी negativity को बताते हैं या उसकी positivity को बताते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। But declarative sentence के अंदर दो तरह की statements होती हैं। First one affirmative होती है, affirmative equal to positive होती है, positive equal to assertive होती है, ठीक है। Positive, assertive, affirmative, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। Affirmative equal to positive है, positive equal to आप कह लें कि असर्टिव है, असर्टिव इक्वल टू स्टेटिव है, ठीक है, ये सारी एक ही चीज का नाम है। और नेगेटिव हमारे पास वेयर वी हैव टू शो निगेशन, और अफर्मेटिव जुमले वो जुमले होते हैं जहां पर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। एनी स्टेटमेंट दैट इज पॉजिटिव, कोई भी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होगी वो अफर्मेटिव होगी, जैसे आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पर आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो ये हमारे पास जुमला है, यहाँ पर ये पॉजिटिविटी है, देर इज नो निगेशन और देर इज नो एनी एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिविटी, यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं पाई जा रही, कोई एस्पेक्ट नहीं है निगेशन का, तो लिहाजा ये डिक्लेरेटिव की अफर्मेटिव टाइप हुई है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कॉमनली इंक्लूड्स द नेगेटिव पार्टी, आप कह लें कि पार्टिसल्स, नॉट, जैसे कि नॉट उसमें होगा या नेवर होगा, या उसमें आप कह लें कि बिल्कुल नॉट होगा या नेवर होगा, या नो का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा एडवर्ब के तौर पर, कहते हैं वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नॉट जो है ये एग्जाम्पल के तौर पर नेगेटिव स्टेटमेंट को जाहिर करता है। Any question right now? No, sir. Next, our question is interrogative sentence. Interrogative, where we have to make a question, where we have to ask a question, or the statement that is being used to ask a question. ये वो जुमला होता है, या ये वो place होती है जहाँ हमें कोई सवाल करना पड़ता है. The interrogative sentence asks a question. ये सवाल पूछता है. The questions may be either of two types. ये दो तरह का सवाल हो सकता है. कौन कौन से दो तरह हो सकता है? First one कहता है जी, either the question is asked by varying the subject and predicate of our declarative sentence in word
ऑर्डर, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट का वर्ड ऑर्डर लिए हुए वहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे कि उसने एग्जांपल के तौर पर लिखा है विल यू ब्रिंग योर बुक, तो ये उसने वर्ड ऑर्डर को अरेंज करके पॉजिटिव जुमले के ऊपर उसने क्वेश्चन बना दिया। यहाँ कहता है जी और द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूजिंग द इंट्रोगेटिव वर्ड, यहाँ कहता है यहाँ तो हम आप कह लें कि इंट्रोगेटिव लफ्ज का इस्तेमाल करके सवाल कर सकते हैं। एक ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव को डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के साथ हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के वर्ड ऑर्डर की तरतीब चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लगाते थे, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये पहले लगा देंगे। लेकिन जब हम दूसरी टाइप की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमें वहां पर इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव हु यहाँ पर लिखा है, हु ब्रोक द ग्लास। वी कैन सिंपली से दैट के दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनाया जा सकता है और दूसरा डब्ल्यू एच फैमिली से बनाया जा सकता है। डब्ल्यू एच फैमिली वो वर्ड्स हैं जो सवालिया तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वाई है, वेन है, वट है, वेयर है, हुज है, हु है, हुम है और विच है, ये सारे वो अल्फाज हैं जो हम डब्ल्यू एच फैमिली के तौर पर कंसिडर करते हैं। इस मीन वो सवालिया वर्ड या वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स दैट आर यूज टू मेक अ क्वेश्चन और आस्क अ क्वेश्चन, ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी टाइप में हम डब्ल्यू एच फैमिली इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो एक तो सादा इंट्रोगेटिव होता है और एक डबल इंट्रोगेटिव होता है। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद हो, अगर आप कह लें कि जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है अगर वो आपको याद है तो फिर ये आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन एक बार अगेन मैं आपको बता दूँ, शायद मे भी आप बहुत अच्छे हैं, आपको याद हो लेकिन हो सकता है जहन में ना हो, मैं आपको उसे दोबारा रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव हमारे पास पी पॉजिटिव के लिए है, यहाँ पर हम लिखते हैं एस मतलब प्लस बी, ठीक है, प्लस ओ। दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम लिखते हैं एस प्लस एच वी प्लस प्लस वी प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ये है इसके साथ भी प्लस फुल स्टॉप। फिर थर्ड हमारे पास पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, थर्ड वन हमारे पास इंट्रोगेटिव है, आई से लिखा है हमने, और इंट्रोगेटिव यहाँ पर हम सबसे पहले एच वी लिखते हैं, एच वी प्लस एस प्लस वी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का मिक्सचर हमारे पास है, तो ये हमारे पास होगा एच वी प्लस एस प्लस नॉट प्लस बी प्लस ओ एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड फिफ्थ वन हमारे पास जो होता है वो से हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ये मैंने डबल लिख दिया है, ठीक है, डबल और फिर प्लस में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए आए, तो इसे हम लिखते हैं डब्ल्यू एच फैमिली प्लस एच वी प्लस एस प्लस वी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क, हम इसे इस तरह से लिखते हैं। फिर हमारे पास सिक्स वन जो है वो हमारे पास आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका हमारे पास जो बनता है वो बनता है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस एच वी प्लस एस प्लस नॉट प्लस वी प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तरह से हमारे पास सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम बनाते हैं, अमूमन हम यही लेके चल रहे होते हैं। अब ये जो सिक्स टाइप्स हैं, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, ये डबल इंट्रोगेटिव का है, और ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है हमारे पास।
ठीक है इसमें हमारे पास सिक्स टाइप्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सिक्स टाइप्स हैं जिनकी हम बनाते हैं, और ये छह तरह से जुमला बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, और ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, आम स्ट्रक्चर्स यही पाए जाते हैं हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम टाइप्स को पढ़ रहे होते हैं, जब हम आप कह लें कि अगेन स्लाइड्स की तरफ पलटते हैं हम, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ, यहाँ पर जो दो चीज़ें बताई गई हैं, पहला डब्ल्यू एच के बगैर बनाया गया है, दूसरा डब्ल्यू एच के साथ बनाया गया है। यहाँ पे जस्ट ये सिंपल आप कह लें सवाल यह है, ये जो हाईलाइट किया गया है और इसके साथ आप कह लें कि ये जो रेस्ट ऑफ है, ये इसे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिसे मैं इसे येलो कर देता हूँ, तो ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव की टाइप्स में आ जाता है, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली की से शुरू हो रहा होता है। तो अमूमन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वी कैन मेक टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट वन इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब, और द सेंटेंस बिगिंस फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब, जस्ट लाइक विल यू ब्रिंग योर बुक, और इन सेकंड टाइप द सेंटेंस बिगिंस विद डब्ल्यू एच फैमिली, इट्स मीन हु व्हेन वेयर व्हाट हूज होम, एंड द थर्ड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वी यूटिलाइज फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन ऑर्डर, सेकेंड वन रिक्वेस्ट, थर्ड वन एडवाइस एंड फोर्थ वन सजेशन। हम चार चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, कमांड और ऑर्डर है एक ही चीज़ है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, और एक हमारे पास यहाँ पे हम और ऐड कर देते हैं जो लिखी नहीं हुई, सजेशन हमारे पास भी इसके अंदर ही ऐड होती है, ठीक है। और चार चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू मेक एन ऑर्डर, टू मेक एन एडवाइस, और टू आस्क, टू पुट अ रिक्वेस्ट, और टू सजेशन। ये चार डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, या तो हम यहाँ इसे ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम इसे आप कह लें कि रिक्वेस्ट के लिए। ये फर्स्ट वन ऑर्डर है, सेकंड वन एडवाइस है, थर्ड वन रिक्वेस्ट है, फोर्थ वन सजेशन है। अगर ये चार तरह की स्टेटमेंट पाई जाती हैं, तो इट्स मीन द पर्पज ऑफ अवर सेइंग जस्ट टू पुट अ कमांड, आई से टू माय servant bring me a glass of water, definitely it's an order, it's not a request. Or if I say same sentence to my colleague, or definitely it's a request, please bring me a glass of water. तो मैं सेम अगर मैं अपने मालिक की हैसियत से या ऑनर की हैसियत से अपने मुलाजिम से कहता हूँ कि वो पानी का गिलास ला दे, तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑर्डर होगा। और अगर यही स्टेटमेंट मैं किसी स्टूडेंट से, किसी तालिबे इल्म से, या किसी आप कह लें कि फ्रेंड से, या किसी कोलीग से कहता हूँ, तो वो वहाँ पर ये रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ डू नॉट मेक योर डू नॉट मेक नॉइस, तो यहाँ पर ये एक एडवाइस है, नसीहत है, और सजेशन के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स मीन वी हैव टू सी फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन ऑर्डर, सेकंड वन एडवाइस, थर्ड वन रिक्वेस्ट एंड फोर्थ वन सजेशन। हम इन चार चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सेंटेंस में भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है। डू बी बिट मोर, डू बी अ बिट मोर केयरफुल, यहाँ पर ये ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है। प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। इसी तरह आप चारों कमांड्स ऐप पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर की, एडवाइस की, रिक्वेस्ट की और सजेशन की। फोर एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आफ्टर दैट इन द फोर्थ टाइप वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर बींग to express sudden emotion of feelings of joy, feelings of sorrow and feelings of wonder. तीन तरह की feelings हम हैरानगी में जाहिर करते हैं, हैरानगी की होती है feelings, खुशी की होती है और गमी की होती है। इट्स मीन सडन इमोशन जिसमें हम आ जाते हैं। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन इमोशन ऑफ सरप्राइज, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड इन एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है इसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं, इसके साथ ही एंड जरूर होता है। इसमें भी हम तीन चीजें देखते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, खुशी हुई हम मैच जीत गए, अलास दुख है द बैटरी इज डेड, बैटरी डेड हो गई है, ओ वाओ दैट्स ग्रेट, यहाँ पर हैरानगी है। तो यहाँ पर हम तीनों तरह से, ठीक है, खुशी हो, गमी हो या हैरानगी हो, इन तीन सेंटेंसेस के अंदर तीन कैटेगरी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में टाइप में लेके आते हैं। इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस बाय पर्पस और सेंटेंस बाय मीनिंग। There isn't anything that has no purpose. हम कभी नहीं कह सकते कि कोई इस चीज़ के पीछे कोई purpose नहीं है, इस चीज़ के पीछे कोई बात नहीं हो रही। Definitely यहाँ पर कोई ना कोई ना कोई purpose होगा, कोई ना कोई यहाँ पर कोई reason चल रही होगी, कोई वजूहात होगी हमारी बात करने की।
तो लिहाजा दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रिवर इज राइजिंग, ठीक है, ओ माई गॉड गुडनेस आई वॉन, ओ नाउ द बैटरी इज डेड, अब यहाँ पर ये सैडनेस है, ठीक है, यहाँ पर आप कह लें कि आपको नजर आ सकता है स्टेटमेंट के अंदर, ओ माई गुडनेस आई वॉन, यहाँ पर आप कह लें कि ये उसकी हैप्पीनेस है, और द रिवर इज राइजिंग, यहाँ पर एक्साइटमेंट है, विंटर है, हैरानगी है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर तीन तरह की फीलिंग हमें नजर आती हैं, फीलिंग्स ऑफ जॉय, फीलिंग्स ऑफ सॉरो एंड फीलिंग्स ऑफ वंडर, अगर इन थ्री फीलिंग्स को हमने टैकल करना है तो वी हैव टू सी और वी हैव टू यूटिलाइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास बनती है, अगर हम उसे देखते हैं, इसको पार्टिसिपेंट को शो कैसे करेंगे, मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये सारे शो हो जाएं तो फिर क्या करेंगे, क्या करें इसका। खैर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट बन बचता है, वो हमारे पास ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी हम दो तरह, या तो खुशी का इजहार करते हैं, आप कह लें कि या सॉरी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, या हम किसी को दुआ या बददुआ देते हैं। इट मीन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस प्रे और विश, ये ख्वाहिश के लिए या दुआ या बददुआ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर ये एक प्रे की सूरत में है। वुड दैट आई वर योर फ्रेंड, काश मैं तुम्हारा भाई होता या दोस्त होता, तो यहाँ पर ये विश के तौर पर है, तमन्ना आरजू के तौर पर है। तो जब हमारे पास आवाज नहीं आ रही, जस्ट वन मिनट, क्लियर हुआ कि नहीं? चलें, शुक्र है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारे पास है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम दो तरह की सेंटेंस बनाते हैं। एक वो जुमले जहाँ जिन पर हम दुआ इस्तेमाल करते हैं, या हमने किसी को दुआ देनी है या बददुआ देनी है, तो हम ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड टाइप इसमें आती है विश, अगर हमने सर आवाज आपकी सर आवाज ब्रेक हो रही है सर, सेम वही पहले वाली प्रॉब्लम, शायद मीटिंग का टाइम आउट हो रहा है, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, हो रही है।